आप देख रहे हैं दखल न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा आप लोग मोदी मोदी कर रहे हैं और वहां कुछ लोगों की हो रही है नींद हराम। भारत ने कहा पाकिस्तान हर मसले पर लगातार बोल रहा है झूठ, आतंकी संगठन जैश के प्रवक्ता की तरह पेश आ रहा है पाकिस्तान। बोफोर्स का स्वदेशी वर्जन धनुष तोप सेना के सुपुर्द, धनुष से होगा दुश्मन का काम तमाम। केंद्रीय मंत्री उमा भारती का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस को है मुसलमानों की देशभक्ति पर शंका। और नक्सलियों से परेशान होकर 8 लाख के इनामी नक्सली अर्जुन ने किया आत्मसमर्पण। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री मोदी के ताबड़तोड़ दौरे जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा में कहा आप यहां मोदी मोदी कर रहे हैं और वहां लोगों की नींद हराम हो रही है। कभी नोएडा की पहचान सरकारी धन की लूट, अथॉरिटी और टेंडर में होने वाले नए नए खेल और जमीन घोटालों की वजह से बनी खबरों के कारण होती थी। आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा की पहचान विकास की परियोजनाओं से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लू लाइन मेट्रो के विस्तार का लोकार्पण किया। इसके अलावा उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय आर्कोलॉजी संस्थान के अलावा कई परियोजना शिलान्यास भी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने सभा में कांग्रेस की यूपीए सरकार पर निशाना साधा, वहीं अपनी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनाया। उन्होंने कहा कि आप यहां मोदी मोदी कर रहे हैं और वहां लोगों की नींद हराम हो रही है। 2014 से पहले मोबाइल फोन बनाने वाली सिर्फ 2 फैक्ट्रियां थी, आज करीब 125 फैक्ट्रियां देश में मोबाइल बना रही हैं। इसमें से बड़ी संख्या में फैक्ट्रियां नोएडा में हैं। पीएम मोदी ने कहा कि यहां की कनेक्टिविटी को और सुधारने के लिए जेवर में देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अभी जारी है और इस बीच पाकिस्तान ने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के दिखावे और भारत के 2 फाइटर जेट मार गिराए जाने के दावों पर भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया सामने आई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान हर मसले पर लगातार झूठ बोल रहा है और आतंकी संगठन जैश के प्रवक्ता की तरह पेश आ रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान आतंकी संगठनों, आतंकी कैंपों और आतंकियों पर कार्रवाई करने का झूठा दावा कर रहा है। आतंकी संगठन जैश के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसके प्रवक्ता की तरह काम कर रहा है। रवीश कुमार ने कहा कि आतंकी हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली है, लेकिन पाकिस्तान उसे नकार रहा है। पाकिस्तान दुनिया भर में झूठ फैला रहा है। उसने भारत और दुनिया की गंभीर चिंताओं पर कभी ध्यान नहीं दिया। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ने पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद की मौजूदगी को माना है, वहीं उसकी सेना इससे इनकार करती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान यह भी झूठे दावे कर रही है कि उसने भारत के 2 फाइटर जेट गिराए हैं। अगर ऐसा है तो वो इसका सबूत दे, यह भी बताए कि उसने जो जेट गिराया था उसका पायलट कहाँ है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक और प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ F-16 का उपयोग किया था। भारत ने अमेरिका को इसके सबूत दिए हैं और अपील की है कि वो देखे कि F-16 का भारत के खिलाफ इस तरह उपयोग उनकी डील का हिस्सा था या नहीं। प्रवक्ता ने आगे यह भी कहा है कि अगर पाकिस्तान यह दावा करता है कि वो नया पाकिस्तान है और नई सोच वाला है तो वो आतंकियों पर नया एक्शन भी ले। एक्चुअली टेररिस्ट ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स कंटिन्यू देयर एक्टिविटीज विदाउट हिंड्रेंस। पाकिस्तान हैज नॉट शोन एनी सीरियस इंटेंट टू एड्रेस द लेजिटिमेट कंसर्न्स of India and the international community. Despite the media interviews by Pakistan's foreign minister and former president Musharraf acknowledging the presence of Jaish-e-Mohammed in Pakistan, the spokesperson of the Pakistani armed forces openly denied the presence of Jaish-e-Mohammed in Pakistan in an interview on 6th March. This statement
is a sufficient proof that Pakistan still remains in a state of denial. बोफोर्स के स्वदेशी वर्जन धनुष तोप को सेना के सुपुर्द करते ही भारत की सैन्य शक्ति और बढ़ गई है। जबलपुर के गन कैरेज फैक्ट्री में निर्मित देश की सबसे ताकतवर तोप को सेना के हवाले किया गया। देश की सबसे ताकतवर धनुष तोप आज से सेना के हवाले कर दी गई। लंबी और जटिल परीक्षण प्रक्रिया को पास कर इस तोप को अब देश की रक्षा के उपयोग में लाया जा सकेगा। बोफोर्स के स्वदेशी वर्जन धनुष तोप ने सभी परीक्षण पास कर लिए हैं। 2011 से शुरू धनुष का काम 2014 में पूरा हो गया था और लगातार 4 सालों से इसका परीक्षण जारी था। गन कैरेज फैक्ट्री के जीएम रजनीश जहरी ने बताया कि पहले लॉट में फैक्ट्री द्वारा निर्मित की गई 6 धनुष तोपों की डिलीवरी 31 मार्च को कर दी जाएगी। जबलपुर के गन कैरेज फैक्ट्री में निर्मित इस तोप को कई दौरों के परीक्षण से होकर गुजरना पड़ा है। ठंड, बरसात और गर्मी के अलग अलग वातावरण में भी इसकी जांच की गई और अंत में पोखरण में हुए आर्टिलरी गन टेस्ट को भी धनुष ने पास कर लिया है। बहुत ही गौरव का दिन है। जो धनुष तोप का हम लोगों ने निर्माण किया है, उसका विकास किया है, सारे ट्रायल में इस धनुष को सफल किया है, उसके बाद आज हमारी धनुष तोप की पहली गन पूरी तरह से तैयार हो गई है। इसमें सारे क्वालिटी पैरामीटर्स को चेक कर लिया गया है, सारे सिस्टम्स को चेक कर लिया गया है और ये गन पूरी तरह से तैयार है। हमारे रक्षा विभाग में जब भी उत्पादन होता है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है कि जब भी हम प्रोडक्ट तैयार करके हम आर्मी को देते हैं तो उसका एक इंस्पेक्शन नोट दिया जाता है और आज हमारे डीजी के विभाग ने हमको इस गन को सर्टिफाई करते हुए, जो आपने एक कार्यक्रम देखा वहाँ पर हमको जो पहली जो गन है उसका आई नोट आज हमें मिला है। इससे ये जाहिर होता है कि पहली हमारी गन पूरी तरह से सेना को हैंडओवर करने के लिए तैयार हो गई है। जबलपुर के गन कैरेज फैक्ट्री को 114 धनुष तोपों के निर्माण का ऑर्डर मिला था, जिसके तहत पहली धनुष तोप की डिलीवरी आज सेना को कर दी गई है। डिलीवरी से पहले तोपों का पूजन किया गया। सेना के तोपखाने में जितनी भी तोपें हैं उनमें सबसे ज्यादा मारक क्षमता 155 MM 45 कैलिबर धनुष तोप की है। इसे ठीक सटीक निशाने पर करीब 38 किलोमीटर तक की रेंज में मारा जा सकता है। देखिए, ये जो जितनी भी हमारे पास अभी, जैसे इससे पहले हमारे पास बोफोर गन है, बोफोर गन जो है वो 39 कैलिबर की गन है और ये 45 कैलिबर की गन है और इसकी रेंज बोफोर गन से बहुत ज़्यादा है। ये हमारी गन जो है फुल चार्ज पर 38 किलोमीटर तक गोला डिलीवर कर सकती है। कि हम अगर अपने सीमा पर इस गन को तैनात करेंगे तो वहाँ से 38 किलोमीटर दूर तक हम गोला फेंक करके दुश्मन के एरिया में शेल गोला फेंक सकते हैं और उनके यहाँ हम नुकसान पहुँचा सकते हैं। ये सबसे बड़ी इसकी खासियत है। दूसरी इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर सारे जो कंट्रोल है, इसका फायर कंट्रोल सिस्टम है, पूरा का पूरा कंट्रोल सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक हो जाने से क्या होता है, इसको मेंटेन करना आसान होता है और इसका रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। मौजूद तोप में 81% स्वदेशी पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया है और आगामी दिनों में इसे पूर्ण स्वदेशी कर दिया जाएगा। धनुष के टेस्ट्स में पास हो जाने के बाद अब पहले फेज में कुल 114 तोपें बनाई जाएंगी, जबकि कुल टारगेट 414 तोपों का है। धनुष तोप में चीनी बैरिंग लगने का मामला भी सामने आया था, जिस पर जबलपुर आकर CBI ने अपनी जाँच शुरू की थी। वहीं धनुष तोप अब दुश्मनों पर कहर बरपाने 24 घंटे के अंदर बॉर्डर पर पहुंच जाएगी। एक बड़ी खबर लंदन से। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में भारत से फरार होने के बाद हीरा व्यापारी नीरव मोदी पहली बार लंदन में देखा गया। उसने अपना रूप बदल लिया है और लंदन में बेखौफ होकर घूम रहा है। इस दौरान टेलीग्राफ UK के पत्रकार ने नीरव मोदी से कई सारे सवाल पूछे, मगर उसने सभी सवालों के जवाब में नो कमेंट्स ही कहा। नीरव मोदी के आत्मसमर्पण को लेकर पिछले साल सितंबर में ब्रिटेन को चिट्ठी लिखी गई है और साथ ही रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है, लेकिन अब तक उसके आत्मसमर्पण की कार्यवाही नहीं हो पाई है। वहीं बाल और दाढ़ी बढ़ाकर $10,000 की जैकेट पहने नीरव मोदी लंदन की सड़क पर बेखौफ घूम रहा है। नीरव मोदी करीब 13,700 करोड़ रुपए के PNB घोटाले का मुख्य आरोपी है। मामले का खुलासा होने के बाद वह भारत से भाग गया था। इसके बाद वह कहां था, इसके
बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, मगर अब उसे लंदन में देखा गया है। टेलीग्राफ के रिपोर्टर ने मोदी का इंटरव्यू किया। अखबार में उसके बारे में एक खबर भी छापी गई है जिसका शीर्षक है, भारत का सबसे वांछित शख्स नीरव मोदी 1.5 अरब पाउंड की धोखाधड़ी का आरोपी, खुलेआम लंदन में रह रहा है। बताया जा रहा है कि वह ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के पास लग्जरी फ्लैट में रह रहा है और उसने सोहो में हीरे का नया बिजनेस शुरू कर लिया है। ये तो थी नीरज मोदी की खबर। फिलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मैं कोस्ट गार्ड नहीं, पर समंदर पर होने वाली हर हरकत पर मेरी नजर है। आई एम नॉट अ स्नाइपर, पर देश के दुश्मनों को बेझिझक शूट कर सकती हूं। मैं कोई पुलिस या आर्मी ऑफिसर नहीं, पर अगर मुझे किसी पर शक आए तो उसकी पूछताछ मैं अच्छी तरह से कर सकता हूं। ये कोई चेक पोस्ट नहीं, पर यहां से हर गलत काम करने वालों को रोक सकता हूं। मैं कंप्यूटर से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को अपने हाथों से रोक सकता हूं। कोई भी जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें किसी वर्दी, ओहदे या तजुर्बे की जरूरत नहीं। जहां हो वहीं से देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएं, देश का सच्चा सिपाही बने। जय हिंद। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह हर बात मुसलमानों के वोट को ध्यान में रखकर बोलते हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस को मुसलमानों की देशभक्ति पर शंका है। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर हमला किया और कहा दिग्विजय सिंह सहित पूरी कांग्रेस पार्टी को हिंदुस्तान के मुसलमानों की देशभक्ति पर भरोसा नहीं है। उनको लगता है कि आतंकियों के पक्ष में बोलकर हिंदुस्तान के मुसलमानों को खुश किया जा सकता है। उमा भारती ने सर्जिकल स्ट्राइक और उसके सबूत को लेकर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। दिग्विजय सिंह जी जो कहते हैं उसमें उनके टारगेट पर मुस्लिम वोट रहता है, उनके मन में मुसलमानों की देशभक्ति पर उनको शंका है। कांग्रेस को ही मुसलमानों की देशभक्ति पर शंका है, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि आतंक के पक्ष में बोलने में, आतंकवादियों के पक्ष में बोलने में भारत का जो मुसलमान है वो खुश होता है। मुसलमानों की देशभक्ति पर भारतीय जनता पार्टी शंका नहीं करती, लेकिन दिग्विजय सिंह जैसे लोग इसी शंका के कारण ऐसा बोलते हैं। ये तो थी सियासत की बात। अब खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के बस्तर में चलाए जा रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत सुकमा पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर 8 लाख के इनामी नक्सली ने आत्मसमर्पण कर दिया। छत्तीसगढ़ बस्तर में एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है। सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर और आंध्रा उड़ीसा के नक्सलियों से त्रस्त होकर 8 लाख के इनामी नक्सली अर्जुन ने आत्मसमर्पण कर दिया है। बताया जा रहा है कि इनामी नक्सली कमांडर अर्जुन सुकमा जिले के कई बड़ी वारदातों में शामिल रहा है। इस पर सरकार ने 8 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। अर्जुन के आत्मसमर्पण के बाद सुकमा पुलिस को नक्सल गतिविधियों के बारे में अहम जानकारियां मिल सकती हैं। 12 साल उसने अपने नक्सलवाद को मजबूत करने के लिए जो दिए, जो उसने अपने बचपने से 13-14 साल की उम्र से लेके अभी तक जो उसने अपना टाइम नक्सलवाद को पोषित करने के लिए दिया, उसके बाद उसको क्या मिला और उसको किस बेइज्जती के साथ और किस आरोप के साथ उसको साइडलाइन किया जा रहा था, क्योंकि वो DVC है और उसके ऊपर उसका SHC बनने का टाइम है। 18 साल 20 साल काम करने के बावजूद उसको SHC नहीं बनाया जाता और तेलुगु लोग ऊपर चले जाते हैं, तो ऐसा जो दोयम दर्जे का व्यवहार है वो न सिर्फ गाँव वालों के साथ कर रहे हैं और यहाँ के नक्सलियों के साथ कर रहे हैं, जिससे पीड़ित होकर वो
और जिससे दुखी होकर उसने संगठन छोड़ने का और निर्णय लिया और हमारे पास आया था सरेंडर करने के लिए। कितने साल घूमने से भी काम करने से भी उधर फायदा नहीं मिलता है और घर परिवार को भी फायदा नहीं मिलता है, अपन को भी फायदा नहीं मिलता है और नक्सली बड़े बड़े आंध्र तेलंगाना नक्सली है और पूरा इधर का बस्तर आदिवासी कैडर को पूरा दबाते हैं, पूरा दबाव करते हैं और दबाव में रखते हैं। कोई अच्छा काम करते हुए विकास होते समय भी पूरा उनको कुछ ना कुछ पूरा आरोप लगा के पूरा अटाते हैं, अटा के पूरा बड़े बड़े आंध्र तेलंगाना नक्सली लोग वही यहाँ का पूरा चलाने के लिए चाहते हैं। ये पूरा इसी दबाव वोट बहुत पार्टी में दबाव रहता है, इसी दबाव वजह से अभी कोई पूरा पार्टी संगठन छोड़ के जा रहे, इसीलिए मैं भी इधर मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आया हूँ, ये मुख्य कारण है ही है। कोंटा इलाके में एरिया चीफ रहा अर्जुन लंबे वक्त से सरेंडर के मूड में था, जिसकी जानकारी नक्सली संगठन को लग गई थी। शीर्ष नक्सली नेताओं ने जन अदालत में अर्जुन को सजा देकर मौत के घाट उतारने का फरमान जारी किया था। आखिरकार अर्जुन ने सरेंडर का रास्ता अपनाते हुए सुकमा पुलिस के पास पहुंचा। एसपी ऑफिस में एसपी जितेंद्र शुक्ला और सीआरपीएफ डीआईजी यादव के समक्ष अर्जुन ने सरेंडर करते ही समाज की मुख्य धारा में शामिल हो गए। सुकमा पुलिस ने छत्तीसगढ़ समर्पण नीति के तहत सुविधाएं देने की बात अर्जुन से कही है। सुकमा पुलिस इस समर्पण को बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रहा है। कांग्रेस ने उड़ीसा के विधानसभा एवं लोकसभा के चुनाव की जिम्मेदारी टीएस सिंहदेव को सौंप दी है। उड़ीसा के जयपुर में राहुल गांधी के साथ एक विशाल आम सभा को संबोधित करते हुए टीएस सिंहदेव ने कहा कि उड़ीसा विकास की दृष्टि से बेहद पिछड़ा हुआ राज्य है, कांग्रेस की सरकार बनते ही उड़ीसा का समुचित विकास शुरू हो जाएगा। जन घोषणा पत्र के जरिए चर्चा में आए छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव उड़ीसा में विधानसभा एवं लोकसभा के चुनाव की जिम्मेदारी संभालेंगे। एक रैली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और टीएस सिंहदेव ने कहा, कई दशक से यहां बीजू जनता दल की सरकार बनती आ रही है, मगर राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के कारण उड़ीसा अन्य राज्यों की तुलना में काफी पिछड़ता चला जा रहा है। देश में जहां जहां कांग्रेस की सरकार बनी उन राज्यों में ने तेजी से विकास किया है। छत्तीसगढ़ में अगर 68 सीटें विधायकों की आई है तो हमको उड़ीसा में 75 से ज्यादा सीटों को लाकर छत्तीसगढ़ को पीछे करना है और उड़ीसा का मान सम्मान बढ़ाना है, कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनाना है। इन बातों को लेकर हम लोग आपके साथ समय बिताएंगे। इतना ही कहकर इस विश्वास के साथ कि आप लोगों की मेहनत के आधार पे, आप लोगों के ताकत के आधार पर ओडिशा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जितेंद्र सिंह जी, निरंजन पटनायक जी, भक्त चरण दास जी, जगन्नाथ पटनायक जी, जयदेव जैना जी, प्रसाद हरिचंद्रन जी, सब लोग प्रेस के हमारे मित्रों, भाइयों, बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। दूर दूर से आप आए हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी ने उड़ीसा के किसानों से वादा किया कि अगर यहां कांग्रेस की सरकार बनी तो राज्य के किसानों का कर्ज 10 दिनों में माफ कर दिया जाएगा। नरसिंहपुर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष विष्णु शर्मा पर बीती रात असामाजिक तत्वों ने प्राणघातक हमला कर दिया। बुरी तरह से जख्मी विष्णु शर्मा को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा में घोघरा नाले के पास भाजपा के जिला उपाध्यक्ष विष्णु शर्मा पर बीती रात असामाजिक तत्वों ने हमला कर उन्हें जान से मारने की कोशिश की। घायल भाजपा नेता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले की वजह का पता अभी तक नहीं चल सका है। सांसद राव उदय प्रताप सिंह और भाजपा जिला अध्यक्ष अभिलाष मिश्रा, पूर्व जनपद सदस्य राजीव अग्रवाल घायल विष्णु शर्मा से मिलने पहुंचे। घटना के विरोध में शनिवार सुबह तेंदुखेड़ा के सभी व्यापारियों ने दुकानें और साप्ताहिक हाट बाजार बंद रखा, अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आरोपियों को जल्द पकड़कर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दखल न्यूज की संपादक शेफाली गुप्ता को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों के लिए वुमन प्रेस क्लब मध्य प्रदेश और कैनरा बैंक ने सम्मानित किया। शेफाली गुप्ता एक लंबे अरसे से पीड़ित महिलाओं की मुखर आवाज है। मौका महिला दिवस का था तो वुमेन्स प्रेस क्लब मध्य प्रदेश ने उन महिलाओं को मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया जिन्होंने अपने दम पर नया मुकाम हासिल किया हो। इस समारोह में दखल न्यूज की एडिटर शेफाली गुप्ता, वीना सबलोक पाठक, रूबी सरकार, नुजहत परवीन सिद्दीकी, मधोरिमा राजपाल, शीतल अटकड़े, स्नेहा खरे, रेडियो जॉकी एकता सिंह, धरा पांडे, अनुपमा सिंह और कविता मांडरे, निदा रहमान, सारिका श्रीवास्तव और सुरभि तिवारी को मीडिया अवार्ड से नवाजा गया। पत्रकारिता में सुदीर्घ साधना के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मंगला अनुजा को दिया गया।
कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश विधानसभा की उपाध्यक्ष हिना कांवरे, चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो, कांग्रेस कमेटी की मीडिया विभाग की चेयरपर्सन शोभा ओझा, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अनंत पगेतकर, न्यूज वर्ल्ड इंडिया की वरिष्ठ पत्रकार और एंकर अजीता जैन, वुमेन्स प्रेस क्लब की अध्यक्ष शीतल राय विशेष रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने आंचलिक महिला पत्रकारों की संभाग स्तरीय समिति बनाने की बात कही। सभी वक्ताओं ने कार्यक्रम में पत्रकारिता का नया दौर और विश्वसनीयता पर अपने विचार रखे। मध्य प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे ने कहा कि विधानसभा समितियों में महिला पत्रकारों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने विधानसभा कवरेज के लिए महिला पत्रकारों को अन्य राज्यों में भी भेजे जाने की बात पर जोर दिया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो ने वरिष्ठ महिला पत्रकारों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए जल्दी विभाग से योजना बनाए जाने की घोषणा की। देखिए, मैं सभी से केवल एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारी सभी महिला जो कुछ करना चाहती हैं, मुझे उन सबसे बस एक ही बात कहना है कि आप जो पाना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, उसके लिए आप कभी इस बात की रास्ता मत देखिए कि कोई आएगा और आपका हाथ पकड़ के आपको आगे लेकर जाएगा। आप उसके प्रति पूरी ईमानदारी के साथ काम करिए और मुझे नहीं लगता कि कहीं आपको किसी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और कभी भी दिमाग में ये मत रखिए कि आप महिला हैं, आप ऐसा सोचेंगे तो पहले ही कमज़ोर हो जाएंगे। आप सोचिए हम महिला हैं तो और ज़्यादा ताकत मिलेगी आपको। अब हमको ये विश्वास है क्योंकि मध्य प्रदेश की कमान एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है, आदरणीय कमलनाथ जी के, जिनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में उनके इस अनुभव का लाभ निश्चित रूप से सभी क्षेत्रों में मिलेगा और महिलाओं के लिए स्पेशली रहेगा। अच्छी बात है कि लोग अब महिलाओं की महत्ता को, महिलाओं की उपस्थिति को लोग जानने लगे। तो आपके चैनल वाले भी नारायणी नमा न्यूज़ 18 ने करवाया वुमेन्स क्लब पर, अच्छा लगा। बच्चों से बहुत गलत चीज़ें हैं कि मध्य प्रदेश जो है हमारा महिला उत्पीड़न के मामले में प्रदेश में नंबर वन है। इसको कहीं ना कहीं हमें दूर करने की आवश्यकता है और मैं समझती हूँ कि शासन के साथ साथ समाज के हर अंग को, खास करके महिलाओं को, इसमें आगे आना चाहिए और हम लोग को मिलजुल कर सहयोग करके इस कलंक को दूर करना चाहिए। वुमेन प्रेस क्लब ने सोशल अचीवर्स के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की विभाग अध्यक्ष राखी तिवारी, सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रीति अग्रवाल, गुना से वरिष्ठ समाज सेविका सीमा सिसोदिया, धार जिले से बाघ प्रिंट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने वाली प्रियंका बाहेती, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली सिद्धानी पाटनी और पद्मिनी खजांची, बरखेली की युवा सरपंच भक्ति शर्मा, राजगढ़ की बुलडोजर मैन कहलाने वाली लीलाबाई, बेगमगंज की महिला अवार्ड टी कृषक राधा दुबे, जबलपुर से शैली दुबे, होशंगाबाद से नन्नी दिव्यांग गायिका तान्या शर्मा और ग्वालियर से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नन्नी नृत्यांगना बेबी डॉयल जयेश कुमार तथा भोपाल के सकारात्मक पर्यावरण सोच ग्रुप के सदस्यों को सम्मान से नवाजा गया। वहीं वुमेन्स प्रेस क्लब की अध्यक्ष शीतल राय ने कहा कि महिलाओं के लिए हमारा प्रेस क्लब हमेशा तत्पर रहेगा। आज का जो हमारा कार्यक्रम है, चूंकि वुमेन्स प्रेस क्लब मध्य प्रदेश पिछले 4 सालों से मध्य प्रदेश में काम कर रहा है, प्रदेश में हमारे करीब 1000 मेंबर हैं जो पूरे मध्य प्रदेश में सक्रिय हैं, जिलेवार हमारी समितियां गठित हैं जो काम करती रहती हैं, समय समय पर हम टॉक शो भी आयोजन करवाते हैं ताकि महिला पत्रकार आने वाले चुनौतियों से रूबरू हो सके, निदान कर सके। और आज का जो भोपाल में हमारा ये पहला कार्यक्रम है, इंदौर में इसके पहले हमारे बड़े बड़े शो हो चुके हैं, पिछले हर अंतर्राष्ट्रीय आज का जो पूर्व संध्या पर हम आज कार्यक्रम करते हैं। और जो मीडिया के क्षेत्र में जो महिलाएं कार्यरत हैं, सामाजिक क्षेत्र में जो महिलाएं कार्य कर रही हैं, उनको हम सम्मान करते हैं क्योंकि हमारा महिला मंच है, वुमेन्स प्रेस क्लब मध्य प्रदेश है, पूरी महिला जो प्रदेश में सक्रिय है उनकी सुरक्षा और उनके उत्थान के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है और रहेगा और समय समय पर हम ऐसे आयोजन करवाते रहेंगे। महिला दिवस के मौके पर कैनरा बैंक ने अपनी महिला कर्मचारी और अधिकारियों के साथ महिला दिवस का आयोजन भोपाल के गांधी भवन में किया। इस मौके पर समाज में खास योगदान देने वाली हस्तियों को सम्मानित किया गया। इस समारोह में सामाजिक कार्यकर्ता अनामिका दुबे मुख्य अतिथि थीं। अपनी विशिष्ट और सुदीर्घ सेवाओं के लिए दखल न्यूज की संपादक शेफाली गुप्ता, रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर मानसी गुप्ता, व्यवसायी मेधा चुग, फैशन डिजाइनर ज्योति गुप्ता और शिक्षिका शिल्पा भावे को सम्मानित किया गया। सबसे पहले शुक्रिया करना चाहूँगी कैमरा बैंक का कि उन्होंने मुझे इस लाइक समझा और अपने परिवार का एक सदस्य समझा। ये काफ़ी कम होता है कि कोई आपको, कोई उपभोक्ता को अपना एक पारिवारिक समझे। सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि जब मैं घुस रही थी तो मेरे सहयोगी सत्यम ने मुझसे कहा कि मैडम खाली महिलाएं दिख रही हैं और कैमरा बैंक में इतनी है क्या? तो मैंने कहा नहीं यार, मैं जब भी जाती हूँ बैंक में मुझे मेल पर्सन से ज़्यादा महिलाएँ मिलती हैं। होता हो सकता है। जब सबने बताया कि
155 महिलाएं भोपाल शहर में अन्य राज्यों में, मुझे बहुत खुशी हुई और गर्व महसूस किया मैंने कि मैं कैनरा बैंक की उपभोक्ता हूँ। आगे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि महिलाएं बहुत अच्छी शिक्षक होती हैं और महिलाएं सबको बहुत अच्छे से सिखा सकती हैं, पढ़ा सकती हैं। कहते हैं कि महिलाएं जब अत्याचार होते हैं तो रात में नहीं निकलना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। महिला एक शिक्षक है, पुरुष कुछ भी नहीं है, सच्चाई यही है। पुरुष किसी का पति है, किसी का भाई है, तो किसी का बेटा है, और हर महिला शिक्षक है। वो अपने घर में हर मेल पर्सन को अगर सिखाएगी कि आपको खुद को किसी को गलत नज़र से नहीं देखना, तो कभी महिलाओं पर अत्याचार होगा ही नहीं। साथ ही ये भी कहना चाहूँगी कि महिलाएं ज़रूर संख्या में, पहले ये होता था कि ये पहली महिला है, लेकिन अब वो एक से अनेक हो चुकी हैं। हमें अब विचार करना है जो आखिरी की पंक्ति में बची महिलाएं हैं, जो अभी भी गांव में चूल्हा जलाती हैं, उनको हम कैसे उस लेवल पे लाएं कि वो भी अग्रिम पंक्ति में नजर आने लगे। धन्यवाद। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं अपने सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और जैसा कि विदित है कि इतने वर्षों से जो भारत ने तरक्की की है और हम देख सकते हैं कि आज महिलाओं ने किस तरह से योगदान दिया है और इस तरक्की में किस तरह से आगे बढ़ी हैं, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले वर्षों में भी महिलाएं और आगे निरंतर बढ़ती रहेंगी और इस देश की सुख समृद्धि में भागीदार बनेंगी, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगी। इसके साथ मैं फिर से एक बार पुनः बधाई देता हूं उन सभी महिलाओं को जो इस दिवस को आज ये सेलिब्रेट कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने सभी महिलाओं को बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि जिस तरह से हम ये 8 मार्च को महिला दिवस मनाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, पूरे वर्ष हम उनका आगे भी सम्मान करते रहेंगे। और महिलाएं आज जो कंधे से कंधा मिला के कार्य कर रही हैं, उनकी प्रगति में और भी योगदान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं सभी को बधाई देना चाहती हूँ। साथ ही यह कहना चाहती हूँ, यह एक कोई दिवस नहीं है, ये एक मानसिकता है, ये एक सोच है जिसको हमें सारे समाज में लागू किया जाना चाहिए। कोई एक दिवस के रूप में हम मनाते हैं, ये एक दिवस हम उनको विशेष अनुभव कराते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, मगर एक ये मानसिकता है जो बदली जानी चाहिए। और जो बराबरी का दर्जा, ये दिया नहीं जा सकता, देने में हम शायद एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे होता है, ये बराबरी की एक सोच है जो समाज में होना चाहिए। हमें अपने परिवार, अपने बच्चों से शुरू किया जाना चाहिए कि हम आज़ादी देना, हमने देना मतलब हम कुछ हैं जो हम किसी को कुछ दे रहे हैं, हमें देना नहीं है। हमें ये एक ऐसा वातावरण निर्मित किया जाना है जहाँ सब बराबरी हैं, बराबरी से रहें, चाहे समाज हो, घर हो, घर के बाहर हो। तो ये एक सोच है जिसको विकसित किया जाना बहुत आवश्यक है। कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि भाजपा मध्य प्रदेश में किसानों से हार का बदला ले रही है। कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार प्रदेश के नागरिकों और किसानों के साथ षड्यंत्र कर रही है। कांग्रेस ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों और प्रदेश के नागरिकों के साथ षड्यंत्र कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि कमलनाथ सरकार प्रदेश के 25 लाख किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ कर रही है, यह सिलसिला 50 लाख किसानों के कर्ज माफी तक चलेगा। कांग्रेस की प्रवक्ता शोभा ओझा ने कहा कि भाजपा किसान कर्ज माफी में भ्रम फैला रही है। शोभा ओझा ने कहा कि भाजपा ने कमलनाथ सरकार को विरासत में आर्थिक बदहाली, अपराध और भ्रष्टाचार दिया है। जब भाजपा सरकार सत्ता में आई थी तब प्रदेश पर 41,000 करोड़ का कर्जा था, जो 2019 में बढ़कर 1,87,000 करोड़ हो गया है। शोभा ओझा ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने लाखों किसानों के भावांतर भुगतान योजना के लगभग 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा रोक दिए हैं। शोभा ओझा ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए तय किया है कि 10 हॉर्स पावर तक के पंप वाले किसानों की बिजली की दरें आधी की जाएंगी। इस योजना से 19 लाख किसान लाभान्वित होंगे। बीजेपी पूरी तरह से जो दिवालिया हो चुकी है, धिक्कार किस चीज़ का मना रही है, समझ के परे है। ये साफ तौर पे समझ आ रहा है कि उनको हजम नहीं हो रहा, जिस तरह से हर एक वर्ग के अधिकार की लड़ाई कमलनाथ जी लड़ रहे हैं और उनको अधिकार से लैस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुंठा ग्रस्त होके बीजेपी इस तरह का धिक्कार मनाने, दिवस मनाने की कोशिश कर रही है। ये थी कांग्रेस और शोभा ओझा की बात। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मैं कोस्ट गार्ड नहीं, पर समंदर पर होने वाली हर हरकत पर मेरी नजर है। आई एम नॉट अ स्नाइपर, पर देश के दुश्मनों को बेझिझक शूट कर सकती हूं। मैं कोई पुलिस या आर्मी ऑफिसर नहीं, पर अगर मुझे किसी पर शक आए तो उसकी पूछताछ मैं अच्छी तरह से कर सकता हूं। ये कोई चेक पोस्ट नहीं, पर यहां से हर गलत काम करने वालों को रोक सकता हूं। मैं कंप्यूटर से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को अपने हाथों से रोक सकता हूं। कोई भी जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें किसी वर्दी, ओहदे या तजुर्बे की जरूरत नहीं। जहां हो वहीं से देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएं, देश का सच्चा सिपाही बने। जय हिंद। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है दखल न्यूज में। खबरों का सिलसिला जारी है। अब खबर बुंदेलखंड से। बुंदेलखंड इलाके में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अपहरण के बाद एक युवक की हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। मृतक के परिजनों ने जब पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिया, तब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। छतरपुर के ओरछा रोड थाने के धामची गांव से पुरानी रंजिश में एक युवक का अपहरण कर उसकी हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने समय रहते कोई कार्यवाही नहीं की और अपराधियों ने देवेंद्र यादव की हत्या कर उसका शव बेतवा नदी में फेंक दिया। देवेंद्र यादव 20 दिन से लापता था। देवेंद्र के परिजनों ने गाँव के 3 लोगों पर अपहरण करने की आशंका जताई थी, लेकिन पुलिस ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। जब पुलिस ने इस मामले में लीपापोती की तो आक्रोशित परिजनों ने ओरछा रोड थाने के सामने हाईवे पर जाम लगा दिया। मृतक के परिजनों के हंगामे के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना देवेंद्र यादव, जो मेरा साला है, ग्राम धामची में लगभग 7 बजे से ये कुएं से लापता है। लगभग 6-7 बजे के बीच। किस दिनांक से? दिनांक 18 फरवरी। फिर उसके बाद क्या कैसी है? सर, पुलिस छानबीन कर रही है। पता लगा के एक डेथ बॉडी हमें वहाँ जानकारी मिली है कि वहाँ फरुआ सागर के पास बेतवा नदी में पड़ी है, जिसको वहाँ मौके पर जांच करने के बाद हमें पता चला कि ये देवेंद्र यादव है, जिसकी शिनाख्त हुई। हम लोग उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए गाँव की घटना है। दिनांक 18 की घटना है और 19 तारीख को रिपोर्ट हुई थी और गुमशुदगी की जांच पर से धारा 365 भादावी का अपराध पंजीबद्ध हुआ था। उसकी जांच पर से ज्ञात हुआ कि घटना दिनांक को ही आरोपी लोगों ने गुमशुदा की हत्या कर दी थी और उसको ले जाकर टीकमगढ़ ज़िले में डैम जो है, बेतवा नदी का डैम है, उसमें उसको लाश को फेंक दिया था। शव बरामद कर लिया गया है, उसको PM हेतु भेजा गया है। आरोपी उनके परिवार से ही संबंधित है। एक नंदकिशोर है जो कि धामची का ही रहने वाला है, एक रामकुमार है धामची का रहने वाला है, तीसरा आरोपी नंदकिशोर का साला है जो UP का है। तीनों की गिरफ्तारी हो गई है। गाडरवाड़ा के साईखेड़ा में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा रहता है। जिन लोगों के ऊपर इलाके को स्वच्छ रखने की जवाबदारी है, उन सबकी उदासीनता के चलते साईखेड़ा नर्क बनता जा रहा है। साईखेड़ा के हर वार्ड में गंदगी का अंबार लगा रहता है, किंतु नगर पंचायत के किसी भी कर्मचारी का ध्यान इस ओर नहीं जाता। सब्जी बाजार के आस पास खुली नालियां बज बजाती रहती है। इसकी सफाई के प्रति कोई संवेदनशील नहीं है। नाली में भरा कचरा व गंदगी सफाई अभियान की विफलता की कहानी खुद बयान कर रही है। स्थानीय लोगों की माने तो सफाई कर्मी सुबह शाम कचरा साफ करने आते हैं, लेकिन वह सफाई कार्य को ठीक से नहीं करते हैं। प्रशासनिक अनदेखी व विभागीय उदासीनता के कारण किसी की दृष्टि इस ओर नहीं जा रही है। जल परिषद साईखेड़ा के द्वारा इतनी अक्षमता है कि पूरे नगर में नालियां बचबचा रही हैं, कहीं कोई सफाई नहीं होती है। पानी निकल कर के सड़क पर बहता है, जिससे कि हम लोग जो है पानी में निकल के अपने मकानों में जाते हैं, गंदा पानी रहता है,
इस तरह से पूरी परिसर पूरे वार्डों में सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। सफाई कर्मी आते हैं सुबह के टाइम पे, जहाँ जहाँ थोड़ी सी जगह रहती है उसी को साफ करते हैं, बाकी के पूरे 15 वार्डों में सफाई के नाम से नगर परिषद उदासीन है। साफ सफाई की बिल्कुल चौपट है यहाँ की, साफ सफाई आधी भाई सफाई आप जमान के चलो, या तो आप लोगों को आप एक भनक लग गई उन्हें जो भी है बिल्कुल नहीं होती, महीना महीना नहीं होती यहाँ। मेन रोड पर थोड़ी बहुत झाड़ू लग जाती, कचरा वहीं पड़ा रहता है पूरे 15 वार्डों में। देखिए यहाँ पर क्या समाज स्वच्छता शाखा में अभी तो हमारे पास स्टाफ की कमी है, स्टाफ न होने से भी कुछ ऐसे प्रभावित हो रहे हैं कि जब कर्मचारी नहीं पहुँच पा रहे। हमारे यहाँ टोटल अभी 14 कर्मचारी, जिनमें से हम उन्हीं से काम करा रहे हैं, तो डेली सफाई कर्मचारियों की कमी कारण नहीं हो पाती है। हमने अभी प्रस्ताव कराया, PIC प्रस्ताव हो गए, उसमें 5-6 कर्मचारी बोल दिया है, जैसे स्वीकृति मिल जाती है शासन से कर्मचारी लग जाएंगे पर्याप्त सफाई व्यवस्था। नगर पंचायत के कार्यपालक अशोक केथल ने बताया कि नगर में सफाई कर्मचारियों की कमी है, जिससे समय पर साफ सफाई नहीं हो पाती है, जिससे गंदगी फैल रही है, जल्द ही सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बन चुकी जबलपुर कलेक्टर छवि भारद्वाज का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर BJP कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने सम्मान किया। ये सभी लोग कलेक्टर कार्यालय में एकत्रित हुए। दरअसल कलेक्टर छवि भारद्वाज ने जब से कार्यभार संभाला है तब से उनकी सक्रियता के कारण आमजन उनके प्रशंसक बन गए हैं। वहीं लोगों के माने तो कुछ ही समय में उन्होंने जबलपुर की जनता के दिलों में अपने लिए खास जगह बना ली है। हम सभी ने सोचा कि क्यों न किसी ऐसी महिला का सम्मान किया जाए जिसने समाज में और जबलपुर शहर में अच्छा काम किया हो। तो हम लोग काफ़ी दिन से देख रहे थे कि सम्मान किसका करना है, तो जब हम लोगों ने देखा कि माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा विधानसभा चुनाव हो, चाहे ग्वारीघाट में दशहरा के समय हो, चाहे अन्य जो त्यौहार हैं, सारे त्यौहारों में और सारे समय पर जबलपुर शहर को बहुत अच्छे से संभाला है और उनके रहते हुए कभी भी किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। उनके अनेक रूप हमने देखे, विक्टोरिया में जब गई तो माता के रूप में रही, एल्गिन में गई तो एक ममता स्पर्शी महिला के रूप में थी, और जब ग्वारीघाट में कुछ हुआ या कोई इसी प्रकार की स्थिति बिगड़ी तो दुर्गा रूप में थी। इस प्रकार के उनके अनेक रूप हम लोगों ने देखे, तो हम लोगों ने तय किया कि आज माननीय कलेक्टर महोदय श्रीमती छवि भारद्वाज जी का सम्मान करना चाहिए। और हम लोगों ने माननीय कलेक्टर महोदय का सम्मान किया है, उनके रहते हुए जबलपुर शहर में शांति व्यवस्था कायम हुई है, लॉ एंड ऑर्डर का कभी जरूरत नहीं पड़ी है, इसलिए हम सब लोग यहाँ पे इनका सम्मान करने हैं। मूछें हो तो नथु लाल जैसी हो, मगर अब ये कहावत बदल गई है, मूछ हो तो जाबाज अभिनंदन जैसी हो। भोपाल से लेकर बेंगलुरु तक बल्कि पूरे भारत में सभी वायुसेना के जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन की बहादुरी के आगे नतमस्तक हैं, तो वहीं देश के युवा अभिनंदन की मूछ के स्टाइल को अपना रहे हैं। ऐसे में सलून भी अभिनंदन की मूछ स्टाइल बनवाने वालों को फ्री में अभिनंदन कट मूछ बनाकर दे रहे हैं और अभिनंदन का अभिनंदन कर रहे हैं। ये है भोपाल का आइडियल सलून और यहाँ यह युवा अभिनंदन स्टाइल बनवा रहे हैं। अभिनंदन वायुसेना के जाबाज विंग कमांडर वर्तमान से प्रभावित होकर यह लोग अभिनंदन की तरह मूछ बनवा कर अभिनंदन को सलामी देना चाहते हैं। दरअसल अभिनंदन वर्तमान के बालों की कटिंग और उनकी मूछ ने लोगों को खासकर युवाओं को अपना दीवाना बना दिया है। आइडियल फैमिली सलून में ये मैंने मूछ रखी है, इसका मुझे कोई कॉस्ट पे नहीं करना पड़ा है, फ्री ऑफ कॉस्ट था। और अभिनंदन की तरह मूछ रखने की नहीं है, उनको बताने की नहीं है कि हम लोग सब साथ हैं पूरे देशवासी, उसने ये मैंने मूछ रखी है आइडियल फैमिली सलून में यहाँ पे आके। अभिनंदन जी का स्वागत करने के लिए और जैसा उनने मूछें रखी थी उसी स्टाइल में हमने भी मूछें रखी है, और सेना का गौरव बढ़ाने के लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं। हेयर डिजाइनर नरेश सेन ने बताया, गौरवशाली सैनिक की लोकप्रियता को देखते हुए हमने अपने सलून और स्पा में एक दिन के लिए लोगों को मुफ्त में अभिनंदन कट देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य है कि अपने योगदान के जरिए युवाओं को सेना में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सलून संचालक ने अब तक सैकड़ों लोगों की मूछें फ्री में अभिनंदन की स्टाइल में बनाकर अभिनंदन को सलामी दी है। बेंगलुरु में भी सैलून संचालक ने एक दिन में 650 लोगों को बिल्कुल मुफ्त में अभिनंदन कर दिया है। आज हमारे जो पूरे देश में सारे हीरो को पीछे छोड़ते हुए एक ही हीरो चल रहा है जिसका नाम है अभिनंदन, और वो अभिनंदन बाकी में अभिनंदन है, और आज उस अभिनंदन को लोग अपना हीरो मानते हुए हमारे सैलून में लोग आ रहे हैं और खुद भी अभिनंदन की स्टाइल में मुस्तैद करवा रहे हैं और अपने आप को भी उसी पहचान में लेके आ रहे हैं कि लोग मुझे भी अभिनंदन की तरह पहचाने। हमारे यहाँ हमारे कस्टमर्स हैं जिनकी खुद की मुस्तैद इस तरह की उनने बनाई रखी है,
अभिनंदन स्टाइल में मुस्तैद बना रखी और लोग उनको उनके पूरे क्षेत्र में अभिनंदन स्टाइल में मुस्तैद बनाने के कारण उनको भी अभिनंदन स्टाइल में बुलाते हैं और उनको अच्छा लगता है। और ऐसे हमारे सैलून में डेली दो चार कस्टमर्स आते हैं जो अभिनंदन स्टाइल में मुस्तैद बनवा रहे हैं। आपको बता दें कि मिग 21 विमान से पाकिस्तान के अत्याधुनिक F-16 विमान को मार गिराने वाले विंग कमांडर अभिनंदन का लड़ाकू विमान क्षतिग्रस्त होने के बाद वे गुलाम कश्मीर में जा गिरे थे और पाकिस्तान ने उन्हें बंधक बना लिया था। पाकिस्तानी सेना के सवालों का उन्होंने जिस तरह निर्भीक होकर मुकाबला किया था उससे लोग और प्रभावित हुए थे। भारत के दबाव में पाकिस्तान को तीसरे ही दिन उन्हें छोड़ना भी पड़ा था, जिसे भारत देश के युवा अभिनंदन की जाबाजी के खास प्रभावित हो गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। लेकिन हम छोड़ के जा रहे हैं आपके लिए जर्जर भोपाली को भैरन समाचार सुनाने के लिए। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली और मेरे को गर्मी में बहुत ठंड लगती है, इसलिए टोपी लगा लेता हूँ, बता रही हूँ। और भैया देश में बहुत चाँचू मची है। कल्लन मियाँ या जरा सबके मुँह में बिरयानी डालो, थोड़ी देर तो चुप रहेंगे। मेरे खाने ने पका दिए नेताओं ने, बता रहा हूँ, बहुत दर्द हो रही है। और एक उमदा खबर बता रही हूँ, ये नितिन गडकरी है ना जो क्या कह रहे हैं पेशाब से ना यूरिया बनाएंगे, वो बता रहा हूँ इतना देश में उत्पादन होगा यूरिया का, विदेशों में भी सप्लाई करेंगे, बता रहा हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, बता रहा हूँ। लोग क्या है बोतलें ले लेके जाएंगे बाथरूम में, सबके बाथरूम में बोतलें भरी पड़ेंगी मिलेंगी, फ्री का पैसा किसको बेकार लगता है, बता रहा हूँ। वो बता रहे हैं सुलभ शौचालय में जाएंगे लोग, वो कहेगा भैया ऐसे मत करो बोतल में करो, वही पैसे भी मिलेंगे, बता रहे हूँ। ये होने वाले हैं, बता रहा, कितना बढ़िया न्यूज है। और ये खबर, ये केजरीवाल है ना, इनको क्या है, ये कह रहा है मोदी है ना बूथ मजबूत करने में लगा हुआ है। और मैं कह रहा हूँ सबसे पहले इन्होंने ना ये अपने लोकसभा कैंडिडेट इन्होंने ही तो डिक्लेयर किए, तो बूथ की चिंता किसको पड़ी है, इन्हें वो पड़ी है। और बता रहे हूँ हमारा जो मिल्क बूथ है ना बहुत मजबूत है, मिल्क बूथ पर श्रीखंड मिलता है, रबड़ी मिलती है, पेड़े मिलते हैं, लस्सी मिलती है, हम तो खा के ये मजबूत हो गए, बता रही हूँ हमारा बूथ बहुत मजबूत है। हाँ, वो बता रहे हो ये एयर स्ट्राइक पर तो ऐसा अमृत मंथन चल रहा है देश में, वो ये एयर स्ट्राइक को लेके है ना लोग सबूत मांग रहे हैं। ये जो सबूत मांग रहे हैं जो नेता बता रहे हैं, कोई कह रहा है पेड़ पे गिरा दिए, पहाड़ों पे गिरा दिए, बता रहा हूँ ये सिद्धू विद्धू है, बता रही हूँ। इनको तो क्या करना चाहिए, मिराज से बांध के ले जाओ और इनके गले में एक टांग दो वो मोबाइल, तो रिकॉर्डिंग करके है ना खुद ही ले आएंगे, तब इनको सबूत मिलेंगे, बता रहे हूँ ये। और वो अमित शाह हैं वो भी है, वो भी काम नहीं है, वो कह रहे हैं 250 लोगों को मारा, आज तुम कहते क्या आप देखने हैं, वो बता रहा हूँ। अगर राजनीति भी करनी है तो बहुमत के लिए 272 चाहिए सीटें, 272 बोलो ना, ये ऐसा तो चल रहा है, बता रहा हूँ, लगे हुए हैं अमृत मंथन करने। वो बता रही है पाकिस्तान से खबर आ रही है इन्होंने 44 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। और मैं कह रही हूँ ये अब कहाँ से आ गए इनके पास, ये बहुत कहते थे ना हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, अभी कौन से बिलों से निकाल के ले आ रहे हैं। अरे आतंकवादी देश हो भैया ये मान लो, और खुद भी परेशान हो रहे, दूसरी दुनिया को परेशान कर रहे हो, हाँ बता रहा हूँ। और इंदौर है ना ये स्वच्छता अभियान में इंदौर पहला नंबर मार दिया है इस बार, बहुत उम्दा मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। और मैं भोपाली भाइयों से कह रहा हूँ भैया ये पिच करना बंद कर दो, ये कहीं भी मार देते हो यार, भोपाल पीछे रह जाता है इस चक्कर में, कहीं भी कचरा फेंक दिया, पान के आगे झुक दिया, बीड़ी सिगरेट फेंक दी, ये चल के रहा है, बता रहा हूँ। शहर की अपने शहरों की चिंता करो, सब स्वच्छ हो जाएंगे, सभी नंबर बनाएंगे, बता रहा हूँ। हाँ, आखिर में भैया एक शेर सुन लो, बम 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 भोले, वो आतंकवादी ठिकानों पे बरसा दो गोले, मैं भी जा रही हूँ बरसाने। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।